पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके खिलाफ सीपीआईएम ने आज शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और सेल्स कम करने की मांग की। सीपीआईएम ने आरोप लगाया कि कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार आम जनता विरोधी निर्णय ले रही है। सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान ने कहा कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस और खाद्य तेल व वस्तुओं के दाम में भी लगातार वृद्धि हो रही है। देश में भुखमरी और बेरोजगारी का आंकड़ा भी बढ़ा है, इसीलिए सरकार इनकम टैक्स दायरे से बाहर के लोगों को प्रति महीना 7,500 और 35 किलो राशन मुफ्त देने का प्रावधान करे। वो जो सरकार के द्वारा निरंतर जो एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है, इसके अलावा सेस और सरचार्ज जो बढ़ाया जा रहा है वो निरंतर बढ़ाया जा रहा है। अगर हम देखें 2014 में जहां पर पेट्रोल के ऊपर जो है 9 रुपये 52 पैसे जो है वो टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, आज वही जो है 30 रुपये 32 पैसे जो है सरकार ने बढ़ाकर कर दिए। जहाँ पर 3 रुपये 32 पैसे जो है जो डीजल के ऊपर एक्साइज लगती थी 2014 में, वो जो है बढ़ाकर आज 31 रुपये 8 पैसे कर दिए। तो इसलिए यदि सरकार इस एक्साइज को कम कर दे, यदि सरकार ये जो सेस ले रही है, सरचार्ज जो पेट्रोलियम पदार्थों पे ले रही है, इसको कम कर दे तो ये महंगाई घटेगी। तो हमारी पार्टी यही मांग कर रही है कि आज सेंट्रल एक्साइज में कमी करें, जो पेट्रोल और डीजल पर सेस लग रहा है और जो सरचार्ज है उसको कम करें। और इसके अलावा जो है आज आप देख रहे हैं देश के अंदर इन नीतियों के चलते बेरोजगारी भुखमरी जो है बढ़ रही है। हमारे देश में अभी जो ह्यूमन हंगर इंडेक्स जो आया था 116 देश में जो है भारत का 101वां नंबर है, मतलब हम जो है पाकिस्तान और जो दूसरे देश है इनसे भी हम जो है नीचे हैं। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस देश में भुखमरी और बेरोजगारी रोकने के लिए कि जो भी गैर आयकरदाता है उसके खाते में जो है 7,500 रुपया जो है सरकार डाले और 35 किलो राशन जो है उसको जो है मुफ्त में जो है सरकार दे। और इसके साथ साथ जो कृषि क्षेत्र में जो खाद की कीमतें बढ़ाई जा रही है, जो खाद्य वस्तुओं की, आज आप देख रहे हैं सरसों का तेल 230 रुपये लीटर हो गया है जो एक साल पहले 95 रुपये लीटर बन रहा, तो ये जो पूरी तरह से जो सरकार है ये बड़े कॉरपोरेट घराने कंपनियों को जो फायदा देने का काम कर रही है और अमीर को अमीर और गरीब को गरीब करने का काम कर रही है। आज हमारी पार्टी सीपीआईएम जो है पूरे देश के स्तर पर जो है इस प्रकार के प्रदर्शन कर रही है और इनके चलते जो है ये एक दबाव जो है सरकार के ऊपर डाल रही है कि ये जो कॉरपोरेट घरानों को फायदा देने वाली ये जो नव उदारवाद की नीतियाँ इनको बदलो, आम जनता की जेब पर जो है डाका डालकर आप उनको फायदा दे रहे इसको पलटो। ये आंदोलन आज जो है इसी को लेकर है। और हिमाचल प्रेस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।